गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज निशित सहगल एंड यूर वॉचिंग बीइंग सहगल। तो घूमता है, खाता है और खूबसूरत से नज़ारे दिखाता है। दोस्तों, हम आए हैं अभी लद्दाख रोड ट्रिप पे और आज टूर का थर्ड डे है। अभी कुछ वीडियोस रिलीज करी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ श्री शंकराचार्य टेम्पल। वो अभी डल लेक पे हूँ। सबसे पहले उससे आप नज़ारे देखो यार, डल लेक के वो तो रहेंगे। और पिछली वीडियो भी जरूर देखना, उस पर नाइट शिकारा किया था हमने, बहुत बढ़िया फ्लोटिंग मार्केट बहुत बढ़िया थी। तो गाड़ी मेरी सामने पार्किंग में लगी हुई है और यहाँ से जो रास्ता है अराउंड 20 मिनट का है। तो आज फुल टू इन्जॉय करना है, पहले शंकराचार्य टेम्पल जाएंगे, उसके बाद गार्डन्स घूमेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है ना। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है आपने तो कर लो यार। मीठा मीठा बढ़िया सनराइज़ हो गया, वाह यार। सामने भी जाना है तो टैक्सी करके जाना है, ये वाली टैक्सी, शिकारा टैक्सी। क्या हाल भाई, हाँ पहली एंट्री हमारी ही हुई है। 7:30 बजे एंट्री का टाइम है एंड 4:30 बजे लास्ट है। तो जब मैं पहुंचा तो पहले से लोग खड़े हुए थे, तो उसके बाद ही खोला गया है। चलते हैं ऊपर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, क्या बात है। अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करी गई है मेरी, एंट्री करी गई है, कोई टिकट नहीं है। और यहाँ से 5 किलोमीटर की ड्राइव है ऊपर मंदिर की, उसके बाद थोड़ी सी ट्रेल है, थोड़ा सा ऊपर सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। तो चलते हैं, बहुत ही सीनिक व्यू है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल घाट के जंगल के बीच में से जा रहे हैं, पहाड़ी पे ऊपर टॉप पे जाके है। ऊपर से पूरे श्रीनगर का, पूरे डल लेक का वंडरफुल एरियल व्यू है। 360 डिग्री ऊपर जाके बनाते हैं, इंजॉय करते हैं। आओ चलो। तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, ये बताना थोड़ा वीडियो में। यहाँ से ये 360 डिग्री ट्रैक शुरू होता है। अच्छा, शंकराचार्य ट्रैक ये इसी साल जून में शुरू किया है डॉक्टर अरुण मेहता। अच्छा, डॉक्टर अरुण मेहता जी चीफ सेक्रेटरी साहब थे हमारे। अच्छा, ये 360 डिग्री शंकराचार्य का बहुत अच्छा ट्रैक है। इसको 2.5 घंटे लगते हैं रिकवर करने में। अच्छा, यहाँ से आगे कंपार्टमेंट क्लास सब कुछ दिखता है, परवाड़ रोड सब कुछ दिखता है यहाँ से, और ये गुब्बार रोड भी दिखता है। अच्छा, इसमें आगे 2-3 व्यू पॉइंट भी है, ट्रेन शटर भी बनाए हैं। ट्रैक करके सारे तरफ जी सर, तो ट्रैक करके आ रहे ऊपर, बढ़िया व्यू, बहुत बहुत अच्छा। आप कहाँ से हो सर? मैं दिल्ली से हूँ सर, अभी ऊपर मंदिर जा रहा हूँ पहले। अच्छा, मंदिर जा रहे हो? हाँ। आपको ऑटो लेना था, ऑटो में जाना था? तो गाड़ी है ना ये? अच्छा, गाड़ी है, कोई बात नहीं, पैदल तो नहीं जाऊँगा इतना। ये भी सड़क भी 5.5 किलोमीटर है, ये भी 5.5। तो ये मंदिर तक जाता है रास्ता? ये मंदिर तक भी जाता है। अच्छा, अगर आगे से अगर ऊपर जाओगे आप तो मंदिर जाओगे, अगर नीचे गए तो ट्रैक पे जाना पड़ेगा। अच्छा, तो पैदल यहाँ से मंदिर भी जा सकते हैं? हाँ। गाड़ी से जा सकते हैं, मंदिर जा, मंदिर गाड़ी से भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो। पैदल जल्दी पहुँचते हो एक हिसाब से, क्योंकि ये शॉर्टकट होता है बीच में, तो इस हिसाब से जल्दी पहुँचते। ठीक है, पर अभी हम पैदल नहीं जा रहे, अभी गाड़ी पे चल रहे हैं, क्योंकि आज पूरा दिन प्लान है मेरा, अभी आगे गार्डन भी घूमना है, कुछ करना है कुछ करना है, तो एक भी चढ़ गया ट्रैक पे तो फिर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आज संडे है। हाँ, रश हो जाएगा।
अभी अकेला ही आया हुआ तो साथ का रास्ता कैसा है उधर का वो करके वो नहीं दिखा सकता आपको। कैमरा तो माउंट किया हुआ पर रास्ता बहुत सीनिक है, आना चाहिए। और आओ ना अगर पॉसिबल है तो सुबह अर्ली मॉर्निंग आओ, 7:30 बजे आती है जो गाड़ी की एंट्री होती है। तो आप देख रहे हैं बीच में ट्रैक कर रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, वो आप सुबह मॉर्निंग 5-6 बजे भी आ सकते हो। तो बढ़िया है, आओ चलो। ये साइकिल ट्रेल है, पैदल भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल भी जा सकते हैं, जैसे जाना है। हम तो गाड़ी पे आए हैं पर लोग कितने फिट हैं यार, सही हैं यार, मेरे को भी करना है यार ऐसा कुछ, बहुत ज़्यादा हो गया अब, है ना। करेंगे करेंगे, ज़रूर करेंगे। चलो ऊपर बम बम बोले करते हैं। गाड़ी मैंने यहीं पर लगा दी है, ऊपर भी लेके जा सकते हो, पार्किंग ऊपर भी, बट नीचे यहाँ पर लगी हुई थी, थोड़ा पैदल चल लेते हैं ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी चलो। बस 5 मिनट का ऊपर चल के आया हूँ और यहाँ पे बैरियर लगे हुए और जो गाड़ियाँ लोग लेके आ रहे थे उनको अंदर नहीं लेके जाने दे रही है कि पीछे लगा के आओ। अच्छा हुआ लगा देगी पीछे। हेलो सर, एवरी संडे यू कम। हाँ ठीक सर, कहाँ से आते सर आप? श्रीनगर के ही हैं, तो एवरी संडे आप यहाँ पे लंगर लगाते हैं। चाय का भी और क्या बनाते साथ में? चाय, दाल, पूड़ी, हलवा। क्या बात है, हर संडे को मेन्यू जो हमारा चेंज होता है। वाह, हर संडे। तो आज का मेन्यू हलवा पूड़ी, आज का सुबह चाय, रस, बिस्किट और उसके बाद मिक्स दाल और चावल। सही, तो अभी ऊपर से दर्शन करके आता हूँ फिर आगे लेते। ओके ओके, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू। बम बम भोले। अराउंड 3-4 तो सीढ़ियाँ हैं, हवा निकल गई। चलो ऊपर आ गए, सांस चढ़ गया थोड़ा सा। 3-4 तो सीढ़ियाँ पर खड़ी सीढ़ियाँ। अभी यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, पूरी डल लेक, पूरा श्रीनगर दिख रहा है। अभी मैं आपको अच्छे से व्यू दिखाऊंगा पर पहले ऊपर दर्शन करने जा रहा हूँ। और मंदिर हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाहर से दर्शन करा पाऊँगा आपको क्योंकि अंदर से दर्शन के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, वो मैं नहीं करता, आपको पता है। भगवान की जो गरिमा है, जो मान्यता है, वो यहाँ पे आके ही है, वो कैमरे में नहीं कैद करवाऊँगा। बाहर से दर्शन करिए और यहाँ पे आइए, उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। चलो चलते हैं। थोड़ा सा मंदिर की हिस्ट्री के बारे में, जो लिखा हुआ है कि श्री विक्रमादित्य जी ने ये टेम्पल बनवाया था और जब आदि शंकराचार्य जी यहाँ पर मेडिटेशन करने आए थे तो उनके बाद से ये शंकराचार्य टेम्पल हो गया। हर हर महादेव, श्री शंकराचार्य जी। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। दर्शन कराए हैं, विशाल शिवलिंग है प्रभु का। और अब ये देखिए
व्यू। ये पूरी जो लिक्विड दिख रहा है आपको, पानी दिख रहा है, पूरी डल लेक है, बहुत खूबसूरत। सारी हाउस बोट्स बनी हुई हैं जहाँ तक नजरें जा रही हैं, वो पीछे और देखो वहाँ तक, बीच में पता नहीं क्या क्या है, थोड़े बादल आए हुए हैं, पूरा श्रीनगर शहर है। और इस तरफ आ जाती है झेलम रिवर, कैसा लगा जी यहाँ पे आके? पूजा होगी आपकी, बाबा खुश हो गए? हाँ जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आनंद आ गया सुबह सुबह ना, बहुत बढ़िया। मतलब आज तीसरा दिन है हमारे ट्रिप का, और महादेव के यहाँ पे आके दर्शन हुए, आगे ट्रिप बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया जाएगा। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, नीचे लंगर लगा हुआ है, लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर आगे संडे को करेंगे। इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आगे और बहुत सी वीडियोज़ आनी है सीरीज़ में, और आगे तो आती रहनी ही है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया आपने तो कर लो यार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी 8:45 हो रहे हैं, बट लंगर में तो अभी टाइम है, अराउंड 10 बजे स्टार्ट होगा। तो कहते हैं ना कि जो नसीब में हो वही मिलता है, और किस्मत वालों को मिलता है लंगर। बट चाय तो मिल गई हमको, चाय ले रहे हैं अभी, फिर आगे निकलते हैं। आगे पूरा दिन आज एक्सप्लोर करना है श्रीनगर अच्छे से। चलो, थैंक यू। तो देखो अभी मैं निकल रहा हूँ वापस, 9 ही बजे हैं अभी, और लेफ्ट साइड देखो पूरा रश लग गया, क्योंकि संडे है आज और आने वालों की भीड़ लग गई है, ऊपर जगह है नहीं। और पता नहीं कैसे निकलना है, क्या करना है। मतलब मैं ना 7:30 बजे एंटर हो गया था, यहाँ की जो पार्टी स्टार्ट होती है और 7:30 बजे ही ओपन होता है गेट। अभी 9 बजे मैं निकल रहा हूँ, रास्ते में देखो पूरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, जो लोग आए हैं मेरे बाहर और आ ही जा रहे हैं, क्योंकि संडे है, बहुतों ने आना है। अब जाने की जगह बची नहीं है, गाड़ी लेकिन निकला था बट नीचे से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो इतनी भी जगह नहीं है कि दो गाड़ियाँ पास हो सके, क्योंकि साथ में लोगों ने पार्क करी हुई है गाड़ियाँ, प्रॉपर पार्किंग नहीं है यहाँ पे, साथ में पार्क करी हुई है और एक गाड़ी आ ही सकती है। अभी थोड़ी पीछे लेके आया हूँ कि निकल जाए, बट 5 किलोमीटर का नीचे डाउन है, तो कब ऐसे ही करते रहेंगे तो कैसे जाएंगे। तो एक सजेशन है आपसे कि आओ 7:30 बजे आओ, मॉर्निंग गेट ओपन होता है उससे पहले नहीं आने देते गाड़ी को ऊपर, उस टाइम आओ आप, बढ़िया दर्शन होंगे, ना पार्किंग प्रॉब्लम होगी और ना कुछ होगा। फर्स्ट बैरियर पे ही अपनी गाड़ी लगाइए और आगे जाइए। ये गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ से, तो इनसे थोड़ा क्लियर करेंगे तो मैं आगे निकलूँगा।
पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, इतनी जगह तो है नहीं ऊपर। यहाँ से मंदिर के थोड़ी ऊपर है ना आर्मी का कैंप है, तो उनकी गाड़ी पीछे आ रही है, तो भाई साहब मिल गए मेरे को तो गाड़ी रास्ता क्लियर करा रहे, नहीं तो यहाँ पे फंसना तो मतलब ऐसा जाम लग जाएगा ना कि क्या ही बोले। मतलब डल लेक में बैठ के शिकारे पे ना आइसक्रीम खाने का मजा ही और है भाई गॉड, वाकई। और व्यू हो ऐसा शानदार, ओए होए, बीवी सामने ऐसे बैठी हुई है और पीछे देखो, ओए होए होए होए, क्या नज़ारे हैं।